नमस्कार, मैं ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सरकार शुरू करेगी हर काम देश के नाम कैंपेन। मोदी सरकार एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाने पर काम कर रही है जो पूरी तरह से देसी होगा, यानी इसमें विदेशी कंपनियों या एक्सपर्ट का कोई दखल नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। इस नए कैंपेन के तहत मोदी सरकार अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देगी और हर मोर्चे पर जनता को जागरूक करने की कोशिश करेगी। इस रविवार सोशल मीडिया को अलविदा कह सकते हैं मोदी, किया चौंकाने वाला ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। आप सभी को पोस्ट करता रहूंगा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। भारत में सोशल मीडिया किंग है पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती दुनिया के उन शीर्ष नेताओं में होती है जो सोशल मीडिया किंग हैं। प्रधानमंत्री के ट्विटर पर 5,33,00,000 और फेसबुक पर 4,45,00,000 फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 3,52,00,000 है, जो उन्हें शीर्ष नेता बनाती है। भारत में अगर किसी राजनेता की बात करें तो ये संख्या सबसे अधिक है। त्योहार से पहले मेरठ में 10 क्विंटल दूषित मावा जब्त। त्योहार आते ही मेरठ में दुकानें मिठाइयों से सज गई है। नकली मिठाइयों ने भी बाजार में दस्तक दे दी है। आज मेरठ के लाला के बाजार में खाद्य विभाग ने छापाबंदी करके 10 क्विंटल दूषित मावा जब्त किया। छापा लगते ही दुकानदार शटर गिराकर भागते दिखे। सूत्रों के मुताबिक बुढ़ाना गेट के भी कई प्रतिष्ठान रडार पर हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि, देश में 2 नए मामले आए सामने। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के 2 नए मामलों की जानकारी दी है। दिल्ली और तेलंगाना में एक एक मामले की पुष्टि हुई है। दोनों की हालत स्थिर है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। देश में कुल मामलों की संख्या 5 हो गई है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती मरीज हाल ही में इटली से लौटा था। यूरोप में सबसे ज्यादा मामला इटली में ही सामने आया है। इटली में इससे 34 लोगों की मौत हो गई है और 1,694 मामले सामने आए हैं। वहीं तेलंगाना का मरीज हाल ही में दुबई से लौटा था। इससे पहले केरल में 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। तीनों चीन से लौटे थे, हालांकि तीनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। फांसी टलने पर बिफरी निर्भया की मां, कहा कोर्ट और सरकार सब तमाशा देख रहे। निर्भया गैंगरेप केस में सभी 4 दोषियों की फांसी तीसरी बार टल गई है। इससे पहले पटियाला कोर्ट ने 3 मार्च यानी मंगलवार को दोषियों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन आखिरी मौके पर एक बार फिर से अगले आदेश तक फांसी देने से रोक दिया गया है। कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसे में जब पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, फांसी नहीं दी जा सकती। इस मामले में निर्भया की माँ का कहना है कि यह सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। कश्मीर में खुलेंगे सिनेमाघर, गूंजेगा लाइट कैमरा एक्शन, मिलेगा युवाओं को रोजगार। कश्मीर को बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का हब बनाने के सरकारी प्रयास तेज हो चुके हैं। साथ ही कश्मीर के बंद पड़े सिनेमाघरों को भी जल्द खोले जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसी साल यह प्रयास रंग लाते दिखेंगे। इसका सबसे अधिक लाभ स्थानीय युवाओं को देने का खाका बन चुका है। केंद्र सरकार के आउटरीच कार्यक्रम में कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की थी कि कश्मीर को फिल्म उद्योग के जरिए भी रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान मुंबई का दौरा कर फिल्म निर्माताओं को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दे चुके हैं। डिस्काउंट के साथ सोना खरीदने का मौका दे रही सरकार। सोने में निवेश करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सरकार सुनहरा अवसर लेकर आई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2019-20 का 10वां और अंतिम चरण शुरू हो गया है। निवेशकों के पास 6 मार्च तक की इस योजना में निवेश करने का मौका है। योजना के इस अंतिम चरण के लिए 1 ग्राम सोने की कीमत 4,260 रुपए तय की गई है। सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन आवेदन करने पर डिजिटल मोड में पेमेंट करने पर 50 रुपए प्रति ग्राम का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रही है। आईपीएल में नए अंदाज में उतरेगी एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, सामने आई नई बस की तस्वीरें। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के ठाट बाट हमेशा अलग दिखते हैं। कैप्टन कूल एमएस धोनी की यह टीम इस बार अपने 4थे खिताब की खोज में इस टूर्नामेंट में कूदेगी। इस बीच धोनी और उनकी टीम की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आने लगी है। धोनी की टीम इस सीजन की शुरुआत एक नई टैगलाइन स्टार्ट द विशल सिटी बजाओ के साथ कर रही है। चेन्नई सुपर किंग्स अपने नए सत्र की शुरुआत नई बस के साथ करेगी। सीएसके ने आज अपनी नई बस की कुछ तस्वीरें ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसका कैप्शन लिखा, ऑल न्यू राइड ऑफ द प्राइड, यानी गर्व की नई राइड होगी। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर हिट, वायरल हो रहे फनी मीम्स। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म पर फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं। फिल्म के डायलॉग्स पर बने मीम सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। ट्रेलर की बात करें तो फिल्म में एक्शन के साथ साथ डायलॉग भी शानदार हैं। रणवीर सिंह और अजय देवगन की एंट्री कहानी को और भी इंटरेस्टिंग करती दिखेगी। सूर्यवंशी में अक्षय कटरीना के अलावा जैकी श्रॉफ, सिकंदर खैर, अभिमन्यु सिंह और गुलशन ग्रोवर व अन्य सितारे नजर आएंगे। फिल्म 24 मार्च को रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।